वो बकवास नहीं मन रहा। चल हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब के सब, खूबसूरत के सब, बढ़िया हो गए, डूइंग वेल इन लाइफ। तो भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे साथ कुछ फनी सा इंसिडेंट हो गया था, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जो उससे पहले का पार्ट है वो तुम्हें बता देता हूँ कि हुआ कुछ ऐसा था कि हम ना नंदनी में रुके चाय पीने के लिए, तो हमने चाय वगैरह का ऑर्डर दिया और ऊपर जाकर बैठ गया। मैंने तुम्हें जस्ट गया था ऊपर, वहाँ पर जगह बनाई हुई, ठीक है। तो वहाँ पर यही है कि खुद लेने वाला, बट हमने उनको पूछा था, उन्होंने बोला ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो उनको बताया और ऊपर चले गए, तो हमारे पकौड़े आ गए और वो चाय नहीं आई थी, ठीक है। तो चाय के ऊपर हुई थी वैसे थोड़ी बहुत लड़ाई, ठीक है। तो चाय नहीं आई, तो फिर एक आधा घंटा हो गया होगा। फिर उसके बाद वो नीचे गया, हमारा एक्स वाई जेड पर्सन जिसने ऑर्डर दिया था वो गया, और उसने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन लग गई है। उसने अंकल को बोला सीधा कि अंकल दो, तो अंकल कहते हैं अब लाइन में लगो, तो उसको गुस्सा आ गया थोड़ा सा। तो वो ना भट्टी के पास खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे, तो वो भट्टी के पास खड़ा था, ऐसे गर्मी लगती है यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब जिस साइड से खड़ा होगा, यहाँ तो इस साइड, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो हमारे आगे एक भैया थे, वो खड़े थे बड़ी देर से, तो उन्होंने चाय ली, वो भी भट्टी के पास खड़े थे, उनको गर्मी लग रही होगी, ठीक है। तो वो खड़े थे, उन्होंने चाय वगैरह ली, जो लास्ट वाली चाय उन्होंने ली, तो वो पीछे मुड़े ना, तो हमारे वाला बंदा जो खड़ा था उस भैया के हाथ से चाय थोड़ी गिर गई, क्योंकि वो भैया को भैया के पीछे ही खड़ा था हमारा वाला बंदा। तो भैया जैसे मुड़े तो थोड़ी सी चाय गिर गई, तो वो थोड़ी हमारे वाले बंदे के हाथ में गिरी, थोड़ी उनके हाथ में गिरी, तो उन्होंने बोला पीछे नहीं बह जाता, उन्होंने आराम से बोला। हमारे वाले को लगा कि शायद, पता नहीं क्यों लगा उसको, कि उसने सोचा कि मेरे को गाली दी है इन्होंने, तो फिर वो भाई गुस्से में आ गया, उसको भाई पता नहीं क्या हो गया, वो कहता है ये मेरे को ऐसा बोल रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। तो वो ऊपर गया, वहाँ पे वो 5-6 लड़के थे, उसने पहले देखे नहीं हुए थे, उसको लगा था एक ही है, ठीक है। जब वो गया ना, तो वो जाके भैया के ऊपर पड़ गया कि भैया मैंने ऐसा बोला ही नहीं, आपने मुझे ऐसा क्यों बोला ये वो, ठीक है, मतलब उनसे जाके लड़ाई ले ली, ठीक है। और फिर वो 5-6 लड़के उठ बैठे, ठीक है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला बाहर जाके देखते हैं, ठीक है, अब आगे देखो तुम क्या हुआ, ठीक है। बट एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि गलती क्लियरली हमारी थी क्योंकि वो क्या, उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं था, ठीक है। आप वीडियो देखो और इन्जॉय करो। तो भाई चल रहे हैं बाहर चाय, तो भाई अभी निकल रहे हैं, गर्मा गर्मी बता दो थोड़ी, गर्मा गर्मी तो हो ही गई है अभी हुई। गर्म है हैं ऐसा ही होता है यार। हाँ ये बंदे कट्ठे करते हैं, फोन करते हैं। हाँ ये ठीक है।
यार पता क्या होता है, पता क्या होता है, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। अगर आज तू देखना, आज तूने इससे लड़ाई ना, अगर तूने अच्छे से बात की ना, देखना आगे जाके, आगे जाके जरूर तुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। जेल से बंदा मरा दे, अपने दम पे रखो यार। मेरी बात सुनना, देख लड़के कोई फायदा नहीं है, अब हम लड़े ना, अब तेरी इसके साथ बात भी हुई ना, अब देखना तेरे कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे काम आएगा जहाँ पे सोच नहीं सकता। देखो लड़ने वाले यार लोग जो होते हैं ना, उस लेवल के लोग नहीं बनना, बदमाश होना बनना तुमने। बट पता क्या सीन है ना, ऐसे देखो यार लड़के क्या फायदा, अब देखो हमने इनसे ना मतलब लड़े भी नहीं, अब इनसे दोस्त बनाया ना, अब ना कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पे हमारे काम आएंगे जहाँ पे कुछ सोच नहीं सकता। ऐसे ही रहना चाहिए बंदे को। अब चल रहे हैं जल्दी जल्दी से, तो भाई करते हैं इस वीडियो को एंड। और इतना ही था, यही हुआ था, और साथ में क्या बोलना था, साथ में उनकी गलती नहीं थी, वैसे तो मैं फेस भी ब्लर कर सकता था, पर उनकी गलती नहीं थी भाई, मतलब हमारी गलती थी। और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तुमने देखा लिटरली उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जिस हिसाब से हमारा वाला बंदा गया था ना उनके पास लड़ने के लिए, भाई उनको तो मतलब चलो छोड़ो, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। मतलब आपने लास्ट में देखा होगा, उन्होंने सीधा ऐसे गले वले मिल के सब सॉर्ट कर दिया। तो भाई करते हैं इस वीडियो में एंड, और एक काम तुमको तुम पे डालता हूँ, चलो गैस करके बताओ कि लड़ाई किसकी हुई है, ठीक है। जो सही गैस करेगा उसको उसको क्या, चलो पहले गैस तो करो।